नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज बात करूंगी भैया दूज की। भाई और बहन का बहुत ही अनुपम प्रेम दिखाई दर्शाता है आज भैया दूज पर। तो बहन अपने भाई के लंबी उम्र की कामना तो करती हैं, साथ ही भाई के लिए उनकी अकस्मात मृत्यु नहीं हो, जीवन की सुरक्षा हो, शत्रु उन पर हावी नहीं हो, इस सब की चेष्टा भी करती हैं, प्रार्थना करती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, निर्जला भी रहती हैं। खास बात एक बोलना चाहूँगी, जहाँ मुहूर्त की बात आती है तो बहुत सारी बहनें बोलती हैं हमें मुहूर्त तो पता है पर इस समय तो भाई आ ही नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र में है, ऑफिस में है, कहीं काम कर रहा है, बहुत दूर देश में है या फिर सात समंदर पार है। तो वो सारे लोग कैसे मुहूर्त को साधेंगे और कैसे उस मुहूर्त का लाभ उठाएंगे, इसी पर होगी आज खास चर्चा। तो बात करूँ अगर भैया दूज की, तो भैया दूज लग चुका है, द्वितीया तिथि पर भैया दूज को मनाया जाता है। तो द्वितीया तिथि लग चुकी 2:36 पर, लेकिन ज़्यादातर लोग उदया तिथि को मानते हैं। तो उदया तिथि कल सुबह रहेगी, क्योंकि सूर्योदय के समय ये तिथि रहेगी। तो कल पूरा दिन हम भैया दूज बनाएंगे। और खास मुहूर्त की बात करें तो कल 12:38 से 1:30 तक अच्छा मुहूर्त है भैया दूज बनाने के लिए। बात करती हूँ तिलक की, तो काफ़ी सारे लोग शुभ चौघड़िया में तिलक लगाना चाहते हैं। तो कल 10:44 से 12:05 तक ये समय रहेगा। चल चौघड़िया की बात करें तो 2:46 से 4:00 तक अप्रॉक्सीमेटली ये समय रहेगा। लाभ चौघड़िया की बात करें तो 4:07 से 5:27 तक ये समय रहेगा। जिसका भाई नहीं है वो चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को ही तिलक लगाएं, उनके जीवन में धन धान्य हमेशा बना रहेगा। बात करती हूँ जब आप तिलक लगाएं तो अनामिका फिंगर से लगाएं, क्योंकि ये हमारे हृदय से जुड़ा है और बहन और भाई का संबंध हृदय से ही जुड़ा हुआ होता है। हृदय में आत्मीयता बढ़े इसलिए तिलक आगे चक्र पर इस उंगली से लगाई जाती है। उसके बाद इस यहाँ ब्रह्म का वास होता है, ब्रह्म के वास से हमने उसे पूरा ऊपर की तरफ खींच देते हैं ताकि दीर्घायु हो हमारा भाई। अब जो अक्षत लगाते हैं, अक्षत मैंने अक्षय, जीवन में कभी भी हारे नहीं हमारा भाई, इसलिए विजय तिलक के रूप में जब हम यहाँ पे अक्षत लगाते हैं तो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खास बात और बोलूँगी, जब भाई को नारियल या गट दें हाथ में, उस पर भी तिलक लगाएं, फूल रखें, उस पर प्रसाद रखें, जो भी उपहार देना चाहते हैं वो भी रखें। खास उपहार की बात करूं तो भाई को हमेशा कोशिश करें एक गोमती उपहार में दें, उस गोमती के पीछे चंदन से ओम श्रीम ह्रीम ये मंत्र लिखें, माता लक्ष्मी का मंत्र है ये लिखें, उसके बाद अपने भाई को दें। ये भाई अपने गले में रखें या तिजोरी में रखें या जहाँ पे बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है या कैश रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ रखें, उनके जीवन में हमेशा धन बना रहेगा। एक खास बात बताना चाहूँगी, आज ही के दिन यमराज अपनी बहन के घर यमुना के घर गए थे और उन्होंने उसे उन्हें बहुत कुछ खिलाया पिलाया और प्रसन्न किया था। अंत में यमुना जी ने यम से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा वरदान दो, जो भी भाई आज अपनी बहन के घर में खाएगा या ये मेरे में यमुना में आके स्नान करेगा उसे आप यमलोक नहीं ले जाओगे। अब यम चिंता में आ गए, ऐसा कैसे, जो भी व्यक्ति जन्म लिया वो तो मरेगा ही, यमलोक को पहुँचेगा ही। तो पर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और कोशिश यही रहेगी कि उन्हें स्वर्ग मिले। तो हमारे पापों का नाश होता है आज के दिन अगर हम यमुना में स्नान करें और अपनी बहन के घर जाकर अगर उनके हाथ से बना हुआ कुछ भी खाएं तो भगवान हम पे असीम कृपा करते हैं। खास बात बोलना चाहूँगी, जिनके भाई दूर देश में है और मुहूर्त के समय उनके पास नहीं पहुँच सकते तो बहनें क्या करें, एक पाटा लें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर उस पाटे को रखें, उस पर पीला कपड़ा लगाएं, उस कपड़े के ऊपर आपके जितने भाई हैं उतने गुलाब के फूल या उतने सारे लोटस रखें, कमल, और उतने गट उसके ऊपर रख दें। उसके बाद इस गट का तिलक करें, पूजा जो भी आप करना चाहते हैं, तिलक लगाना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, तिलक के बाद अक्षत लगाना चाहते हैं, मिठाई प्रसाद गिफ्ट जो भी देना चाहते हैं वहीं रख दें, उसे एक येल्लो कपड़े से ढक दें। भाई जब ऑफिस से आए तब आप अपना पूरा जो पूजा का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। आरती, जो आरता हम करते हैं अपने भाई का, जो दिया जलाते हैं, ये दिया अगर हमने सही मुहूर्त पे जला लिया तो हमारा मुहूर्त सध जाता है।